वेलकम टू माय चैनल एंड दोज हु आर न्यू वेलकम टू माय चैनल। तो अभी मैं रेडी हुई हूँ और अभी दोपहर के बज रहे हैं 2:30। आज है 7 तारीख और अभी हम लोग निकल रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो आगे आप लोग को पता चल जाएगा। रास्ते में हो गई हूँ मैं, ट्रक से निकलती हूँ यहाँ से ना, ये नीचे वेट कर रहे हैं, तो फिर लेट हो जाएगा पिछले बार की तरह। सो मिलते हैं आगे आपको रास्ते में। अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। पूल पे रुके हुए हैं। बहुत मस्त हवा चल रहा है यार। स्प्रिंग लोडेड सब लोग साथ में। तो हम लोग पहला स्टॉप से हम लोग निकल गए और आप लोगों को ऐसी ऐतिहासिक जगह से रूबरू कराएंगे जहाँ से जहाँ की आपको बहुत ही अच्छा अच्छा दृश्य देखने को मिलेगा। बाकी मोहित बताएगा क्या क्या है वहाँ पे। ये पहले अभी आ चुका है क्योंकि अभी हम गाइड ड्राइव कर रहे हैं, मोहित एक्सप्लेन करेगा। तो मोहित स्टार्ट हो जा। हाँ, तो प्लान के हिसाब से आज हम लोग अशोक पिलर देखने जा रहे हैं जो कि बिहार के कोरबा नामक जगह पे है, वैशाली जिला में पड़ता है और कुछ ही देर में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। तो बाकी आगे दिखाएंगे जो भी है। और मेनली हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं, अभी इतना मौसम अच्छा है और कितना एकदम मंद मंद हवा बह रहा है कि हम पूरा आनंदित हो चुके हैं। मेनली इस है कि हम लोग इस सफर का आनंदित लेते हुए अशोक पिलर जा रहे हैं। और सबसे पहले तो बता दें कि ये हमारे दिलीप जी है जो कि हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आ रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं और अपना गाड़ी पार्क करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं क्या नया है और क्या पुराना है। इससे पहले तो सारी चीजें पुरानी ही है। इससे पहले हम लोग आए हुए हैं तो देखते हैं कुछ नया नया कुछ मिलता है कि नहीं। चलो, तो जानकारी के अनुसार बहुत सारे नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए हैं परिसर के अंदर में। इंडियन ऑयल का जो एक CSR चलता है उसने दर्शक दीर्घा करके कुछ लाइब्रेरी और साथ ही खाने पीने की भी व्यवस्था अंदर में की रखी है। इसका मतलब अब अभी अगर इनॉग्रेशन हो गया होगा तो वो चीज नया होगा हमारे लिए, बाकी देखते हैं। चलिए, फिलहाल आप लोगों के लिए तो सब कुछ नया रहेगा, हमारे लिए भले ही पुराना हो। चलिए, तो अच्छा मतलब ये बगीचा बोलते हैं ना, लीची उची का बगीचा है, बहुत ही अच्छा। इसी में पार्किंग बना दिया है, सही है, जगह का यूज भी हो रहा है अपना। इधर का दुकान जो कि आपको तरह तरह के क्या बोल सकते हैं, यही है अशोक कस्टम, यह है अशोक कस्टम। बहुत ही बढ़िया है, सुंदर सुंदर सा ये सब कलाकारी है, बहुत ही सुंदर कलाकारी है जो कि आप हाथ में उठा के नहीं रख ले सकते हो भाई, नीचे रख के देखो। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा पुराने जमाने वाला गाड़ी भी है। ये वाला देखे थे, ये वाला बचपन में लिया, ये वाला स्टूडियो दूरबीन, उसमें उसमें ना फोटो दिख रहा है। तो ये है अशोक स्तंभ का, अशोक स्तंभ का फ्रंट गेट, मेन गेट। सॉरी,
यहाँ पे यार कुछ ना कुछ चेंजिंग है। क्या है गाड़ी में लगाने वाला है, वो करेगी डांस। ओ आराम से आराम से। इधर इधर से, इधर से लो, इधर से। किसकी वाली है भाई, इतना नाच रही है। विशाल आओ मिलो यार। मिला ही नहीं। बहुत ही बेहतरीन नजारा है यहाँ पे। और विशाल भी, विशाल खुशी का ठिकाना नहीं है। चलो मोनित आगे। हाँ ना टिकट कहाँ करता है अच्छा इधर कूट कूट के कूट कूट के। और यहाँ पे ये टिकट काउंटर नया बना है ना। हाँ सब कुछ नया बना है और बहुत ही अच्छी। और सबसे बढ़िया व्यवस्था है कि आप स्कैन कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से बुकिंग कर सकते हैं। ये अभी नया ही टिकट काउंटर बन रहा है। ओ भैया ओ, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, पीछे पीछे लाइन में लगी, लाइन में लगी। टाइप से प्रिंट आया है ना, ना ठीक है। कितना रुपया लिया एक का? 25 रुपया। अच्छा तो एक आदमी का 25 रुपया टिकट। अरे यार अभी देख सकते हैं हम लोग पार्क के अंदर आ चुके हैं। और मेनली वहाँ पे एक पाउंड है जो कि मतलब पाउंड तो पाउंड पाउंड वाला आप देख सकते हैं। हम लोग जा रहे हैं अभी, लखनऊ से स्कूल हुआ के बारे में बताया गया है जो कि आप लोग पढ़ लीजिए खुद ही, ठीक है। हाँ इतना थोड़ा कम टाइम में सारा आप लोगों को दिखाना है। तो चलिए यहाँ बढ़िया व्यवस्था भी है सारा कुछ, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह का भी है सब कुछ। तो चला जा। हिंदी में लिखा हुआ है। हेलो हिंदी में बताओ, हिंदी में। अंग्रेजी बोले तो हिंदी में। ये असल में कुलवा जो है NCERT हिस्ट्री बोले तो प्राचीन भारत का ऐसा स्थल है। पहले हम लोग जैसे कि जानते हैं वैशाली में मतलब एक प्रसिद्ध नगर हुआ करता था, यही वो जगह था कुलवा जिसमें बुद्ध जो है वो आए थे और बुद्ध को एक मंकी ने क्या दिया था, हाँ हनी होता है ना उसका, हाँ। एक कटोरा हनी दिया था। ये इवेंट जो है ना बहुत स्पेशल मायने रखता है बुद्ध के जीवन में। और ये 8 इवेंट्स माने जाते हैं अच्छे अच्छे और जिनको काउंट किया जाता है। ये जो आपको ईंटों का जो बनाया हुआ जो दिख रहा है, ये पीछे राम कुंड बोलते हैं। तो ये जो राम कुंड है इसको मैं पहले पानी रहा, इसका नाम मिली राम कुंड है। तो यहाँ पर पहले पानी भरा हुआ रहता था, तो यहाँ पे जो बुद्ध लोग थे आते थे उन लोग स्नान किया करते, मतलब उन लोग स्नान किया करते थे। और इसको एक होली पॉइंट के रूप में भी इसे जाना जाता है। थैंक यू। अच्छा चलिए, तो दिलीप जी की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और आगे आपको और भी कुछ दिखाते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। ये जगह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एंशियंट हिस्ट्री का एक स्पेशल और कहे तो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखने वाला जगह है। इसमें अशोक ने जो कलिंग विजय के बाद में अपना जो साम्राज्य है और जो समृद्धि है और जो एक कहें कि अपना लंबे समय आने वाले लोग जान सके, ये ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण कराया था। और अशोक स्तंभ पीछे है और उसका जो बाघ का जो साइन होता है वो सिंबल अभी हमारे नोट में और सिक्कों में ये सब में जारी किया गया है। अशोक स्तंभ का ही जो थंब चक्र होता है 24 अक्षर लेटर्स का, उसको हमारे नेशनल फ्लैग में जगह दी गई है। और अशोक को हम लोग एज ए ग्रेट एम्पायर मानते हैं क्योंकि उसका धर्म हृदय परिवर्तन के बाद वो एक बहुत ही अच्छा शासक साबित हुआ। वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब अशोक का जब हृदय का चेंजिंग हुआ था उसके बाद मतलब कि उसके बाद वो है कि इस मतलब कि प्लेस का निर्माण करवाए थे। तो मतलब अभी हम लोग जिस स्थान पर खड़े हैं वो कि जो कि मतलब लाल ईंटों से उसको निर्माण किया गया। तो ये जो मतलब कि पहले यहाँ पे मतलब कि वाटर भरा हुआ रहता था, मतलब कि यहाँ पे थे कि जो जो गौतम जो 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 अकेले गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे उन लोग यहाँ पे आन करके स्नान किया करते थे। और ये मतलब इसे एक होली प्लेस के रूप में इसे एक जाना जाता है। थैंक यू। और इसमें इस स्थल में क्या था कि एक शेल्टर के रूप में विकसित किया गया। यहाँ एक कुंड था जो बहुत होली माना जाता है, पीछे साइड में अभी भी है, अभी भी है। और उस टाइम में इसे बहुत होली रिवर होली कुंड के रूप में माना जाता था। साथ ही साथ अब जो कि यहाँ पानी की व्यवस्था थी सारा कुछ था। और ये जो जगह है ये साइड से थोड़ा सा अप में है, इसीलिए यहाँ जो बरसात का मौसम होता था उस टाइम और उनके जो बिच्छू होते थे वो लोग रहते थे। इसलिए यहाँ तरह तरह के रूम्स बनाए गए हैं, कुछ बैठने के लिए है और कुछ उधर विथ टॉयलेट बनाए गए हैं, देख सकते हैं और भी दिखाएंगे। और इस टाइप का है, हालांकि ज़्यादातर नष्ट हो गया है, खुदाई में बहुत कम रिट्रीव किया गया है, लेकिन फिर भी ये इसको हम लोग समझ सकते। तो अभी आप देख सकते हैं ये है वो अशोक स्तंभ, अशोक पिलर। थोड़ा बहुत डैमेज है
हाँ थोड़ा वो डैमेज है बट ये एक ऐतिहासिक। तो जैसा कि अभी आप लोगों को बताया गया है कि यहाँ पे एक पाउंड है, जैसा कि आप लोगों को बताया जा रहा था कि रूम टाइप का बनाया हुआ है यहाँ पे, तो ये वही रूम है, मंदिर है और छोटा पाउंड जो आपको बताया था वो इधर है, अभी दिखाया जाएगा। जो ये आगे का जो व्यू आप देख रहे हैं ना, ये प्लेस एक जैसे समझ सकते हो, जैसे ये एक ऑडिटोरियम समझे, तो ये प्लेस में भगवान बुद्ध हमारे बैठा करते थे। अच्छा। और जो भी उनको सुनने वाले आते थे वो इधर ही सही बोल रहे प्रवचन को सुनते थे। और ये सोशल डिस्टेंसिंग अभी का कुछ ऐसा कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया गया। उस टाइप से चुना पत्थर को जोर के ईंटों को जो, लेकिन फिर भी यार देख रहे हो मजबूती अभी तक ऐसे कैसे है, पिछले बार भी ऐसा ही था, बताओ पिछले बार आए 2 साल पहले ऐसा ही था। तो अभी हम लोग आ गए हैं अशोक स्तंभ और यहाँ पे हम लोग घूम रहे हैं, बहुत ही ज्यादा भीड़ है, मीन्स बहुत ज्यादा लोग आए हैं घूमने, बिकॉज आज संडे है, तो संडे की वजह से बहुत सारे यहाँ पे कपल हैं, फैमिली मेंबर हैं, बच्चे हैं, बच्चों को लेकर आए हैं लोग। और ये यहाँ पे है, ये क्या है, ये पुल है, पुल नहीं है, शायद ये पुराने जमाने के उन लोगों के लिए नहाने के लिए बना होगा, किसी से लोग इधर नहाने के लिए स्नान करते थे, स्नान करते थे। आप आ रहे हैं क्या? वही है पौन। भारी संख्याओं में मेडल यहाँ से लेकर वहाँ तक साइड साइड है पूरे। तो अभी हम लोग चल रहे हैं पार्क के तरफ। ये है यहाँ पे लिखा हुआ है मनौती स्तूप, तो ये सारे छोटे छोटे जितने कुछ बने हुए हैं ये मनौती स्तूप हैं, वहाँ पे भी लिखा हुआ था। और हम लोग अभी दूसरे खंड में आ गए, देखिए फान के आ रहे हैं। लिखा हुआ है कृपया ये रेलिंग ना फान दे, नहीं ऐसा कुछ तो लिखा हुआ नहीं है। तो अभी पार्क की साइड में, उस साइड में है ना रंग तेरे जीत। अभी हम लोग पार्क की तरफ जाएंगे, पिछले बार आए थे तो पार्क में हम लोगों को आंवला का पेड़ मिला था, आंवला भी मिला था, तो अभी हम लोग जाके आंवला ढूंढेंगे, अगर जो मिल जाए तो हम लोग आंवला खाएंगे। तो अच्छा लग रहा है ऐसे कभी कभी छुट्टियों में आना, टाइम स्पेंड करना, माइंड फ्रेश हो जाता है। और वैसे आज है रोज डे और मुझे अभी तक रोज नहीं मिला है, वैसे रोज की तलाश में है। वैसे ये सब हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं, वैसे हम रोज के तलाश में हैं, ठीक है, कि रोज कहीं मिल जाए, फ्री में मिल जाए। ये यहाँ का पार्क है और आज रोज डे के उपलक्ष्य में रोज भी बहुत बहुत सारे खिले हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। एक बंदर से मुलाकात हो गई यहाँ पे, यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है और एंजॉय करने मजा आ रहा है। बस एक चीज का कमी है कि अंदर में कुछ खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा है, अंदर में थोड़ी ना मिलेगा, मतलब थोड़ा बहुत मिलना चाहिए, कि बाहर से कितना खरीद के आदमी लाएगा। अंदर में इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे काफी ऐसे लोग हैं जो कि अंदर में ही खाएंगे, अंदर में ही फैला देंगे, सही नहीं रहा, इसलिए सही है कि अच्छा है कि अंदर नहीं मिल रहा है, बाहर जाइए, बाहर खाइए और बाहर ही धोइए। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हाँ, अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है छोटा लाइक, एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा, और अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करिए ताकि हमारे वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। और हमारे चैनल पर जो नए हैं वो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें। और अभी बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो भी आने वाले हैं, प्लान चल रहा है अभी। आप लोग के साथ भी शेयर करेंगे, बने रहिए हमारे वीडियो को देखते रहिए।